हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को कंबाइन करना सीखा, ठीक है बच्चों। और कुछ थोड़े बहुत हम लोगों ने एग्जांपल देखे। आज चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इस चैप्टर का, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, अक्सर इसके ऊपर सवाल आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसके ऊपर अपने को अच्छे से एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस करने चाहिए। तो आज मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा जिससे कि आपको कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छे से समझ में आए, ठीक है बच्चों। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके बच्चों। इस तरह का के कुछ एग्जाम्पल्स हमने कल भी देखे थे, ठीक है। मान लो ये ए है बच्चों, ये सपोज बी है, और ये हमने ले लिया, इसको यूं कनेक्ट कर दिया, और इस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, सर्किट जो बनाया गया है, वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों, ठीक है। आपको कितने कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। हर एक की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सी है, ठीक है। मतलब इक्वल कैपेसिटेंस वैल्यू वाले कैपेसिटर्स हैं, इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, कल जो हमने लिए थे थोड़े सिंपल थे, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। तो करना बस वही है जो हमने अक्सर सीखा है। क्या सीखा है हमने, कि भाई इसमें क्या लगाएंगे, इक्विपोटेंशियल मेथड लगाएंगे, है ना। जो जो इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं उनको क्या मानेंगे, सेम पॉइंट मानेंगे, ठीक है। इक्वल पोटेंशियल वाले सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे सीधा, ठीक है। तो जैसे कि देखो बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हुआ, ए। फिर ये यहां तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए, ठीक है। सिमिलरली ये बी है बच्चों, और ये वाला पॉइंट को मैं क्या ले लूं, सपोज सी, तो ये सी, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, सी, और ये भी क्या हो जाएगा, सी। तो ऑल द नोड्स जो है ना, सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया, नेम कर दिया, ठीक है, नेमिंग कर दी उसकी। तो हमारे पास कितने नोड्स निकल करके आए, कितने जंक्शन निकल करके आए, 3, ए बी और सी। तो हम इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे, 3 नोड है हमारे पास, 2 और 3, कौन कौन से, ए और ये था बी, और ये बीच में हमने ले लिया सी, है ना, ये सी देखो ऐसा। तो अब देखो बच्चों, ये वाला जो कैपेसिटर है वो किसके किसके बीच कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में हमने इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये वाला किसके बीच में है, ये भी ए और सी के बीच में है, तो इसको भी ए और सी के बीच में कनेक्ट कर दिया, तो ये वाला कैपेसिटर हो गया। सिमिलरली ये वाला कैपेसिटेंस भी देखो ए और सी के बीच में, ठीक है, तो इसको भी ए और सी के बीच में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये 3 हो गए। अब ये 2 कैपेसिटर क्या है, ये दोनों शॉर्टेड है, आ रही बात समझ में, इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट हो जाना। देखो सी से सी, ये दोनों किसके बीच में, सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं। तो सेम पॉइंट्स मतलब क्या, सेम पोटेंशियल। अब सेम पोटेंशियल हो गया बच्चों, तो उसके बीच तो पोटेंशियल का डिफरेंस है ही नहीं, रहा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, तो उसमें चार्ज नहीं फ्लो हो सकता, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, समझ में आया क्या, ये शॉर्ट हो गया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहा, इसको रिमूव कर लेंगे। फिर सी से बी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, सी से बी के बीच में ये एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सी, सी और सी, और ये सी, देखो ये पॉइंट सी है और ये कैपेसिटर वाला सी है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब ये हमारा ऐसा हो गया। अब देखो बच्चों, ये तीनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया, देखो 3C हो गया, तो ये ए, ये सी, और इसके बीच में जुड़ा हुआ है फिर सी और ये बी। तो अब ये दोनों देखो किस में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है, तो क्या हो जाता है बच्चों, है ना, प्रोडक्ट अपॉन सम, दो ही है, तो 3C × C / 3C + C, ये हो जाएगा हमारा सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कितना हो गया, 3C × C / 4C, ठीक है बच्चों, 3C/, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, बचा क्या, 3C/4 C इक्विवेलेंट,
तो फाइनली इनके बीच में कितना कैपेसिटेंस आया, इतना आया। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी और सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3C/4। अंडरस्टूड? ठीक है बच्चों, तो आपको समझना है कि ये देखो ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं, है ना, इनके बीच में कुछ है तो वो क्या हो गया, शॉर्टेड हो गया। शॉर्टेड हो गया तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहा, है ना। क्लियर है बात आपको? अच्छा चलो कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। आज हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पर एक कैपेसिटेंस है बच्चों C1 = 5 μF और यहां पर कैपेसिटेंस है C2 = 6 μF और यहां का वोल्टेज है 10 V। ठीक है, इस तरीके का आपको एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, C1 = 5 μF, यहां पर 10 V जुड़ा हुआ है और यहां पर 6 μF। अंडरस्टूड? आपको क्या निकालना है, आपको एक तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है पार्ट ए, सी इक्विवेलेंट, और दूसरा चीज जो निकालना है वो क्यू टोटल। ठीक है, टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा बैटरी से, वो चीजें आपको निकालनी है, ये दो चीजें निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको, अगेन बच्चों इस पॉइंट को मान लो ए और इस पॉइंट को मान लो बी। आ रही बात समझ में? अब देखो ये ए है ना, यहां से लेके यहां तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया ए। फिर ये देखो यहां से लेकर के यहां तक क्या कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये की क्या हो गया ए। अब देखो ये पॉइंट बी है और ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट क्या हो गया बी। तो हमने सारे पॉइंट्स को नेम कर दिया है ना, नेमिंग कर दी उसकी। तो हमें क्या मिला भाई, दो ही जंक्शन मिले, दो ही पॉइंट्स मिले। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी यूं ले लिया। ठीक है, अब देखो ए और बी के बीच में क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में। तो चलो इसको जोड़ लेते हैं, ए और बी के बीच में C1 = 5 μF हो गया इसका काम। फिर ये वाला कैपेसिटेंस, ये भी तो ए और बी के बीच में ही जुड़ा हुआ है, तो इसको भी ए और बी के बीच में जोड़ दिया, C2 = 6 μF। और ये बैटरी किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ये और ये भी ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो ए और बी के बीच में हमने इस बैटरी को जोड़ दिया, ये कितना है बच्चों 10 V। ठीक, तो ये हमारा देखो सर्किट क्या हो गया, काफी सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, उसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं दिख रहा था, कौन सीरीज कौन पैरेलल कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब देखो आसानी से समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो है वो क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में रहने पर क्या होता है बच्चों, है ना, आपको पता है दोनों ऐड हो जाते हैं, तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल हो जाएगा, कितना C1 + C2 6 and 5 11 μF। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या बच्चों, C इक्विवेलेंट फर्स्ट पार्ट निकल गया 11 μF और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक बैटरी जुड़ा हुआ है 10 V का। तो भाई हमको टोटल कैपेसिटेंस मिल गया, टोटल वोल्टेज मिल गया, तो टोटल चार्ज क्या हो जाता है बच्चों, Q = C × V। तो सी इज 11 μF एंड वी इज 10 V, तो 11 × 10 = 110 μC। ठीक है, तो चार्ज कितना फ्लो होगा बच्चों, इस तरीके से है ना, पॉजिटिव से Q = 110 μC। तो ये दोनों पार्ट हमें समझ में आ गया कि कैसे है ना चार्ज निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, ये दोनों चीजें हमने समझी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको करना है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, एग्जांपल, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ध्यान से सुनिए बच्चों, है ना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका
देखो फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, इधर एक पॉइंट बनाया गया है ए और इधर एक पॉइंट बनाया गया है बी, ठीक है, ए और बी के बीच में क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, और इसके आधे पोर्शन में इधर एक डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, के वन, ठीक है, बाकी जो इधर का बचा हिस्सा है उसको भी दो पार्ट कर दिया, ठीक है, एक इधर का पार्ट और एक इधर का पार्ट, यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, है ना, यूं डाल दिया, क्लियर है बच्चों, और ये जो है ये बोला D1 है और ये जो है वो बोला D2 है, समझ गए बच्चों, इतनी चीजें आपको गिवन है, ठीक है, प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया है ना, एरिया ए वन एंड ए टू, क्लियर है, इस तरीके की चीजें आपको गिवन है, आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सो हाउ वी शुड प्रोसीड, तो भाई सिंपल है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, है ना, इसमें कितने कैपेसिटर बन जाएंगे, एक ये कैपेसिटर बन जाएगा, एक ये कैपेसिटर बन जाएगा और ये एक अलग कैपेसिटर बन जाएगा, ठीक है, तो मान लो मैं इसका जो कैपेसिटेंस बनेगा उसको बोल दिया C1, इससे जो बनेगा वो बोल दिया मैंने C2 और इससे जो बनेगा वो बोल दिया मैंने C3, ठीक है, तो क्या हम ये C1 C2 C3 वगैरह निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, चलो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अच्छा अब बात आती है ना, प्लेट एरिया आपको गिवन है ना, एक इधर का जो प्लेट एरिया है वो A1 है और इधर का जो है वो A2 है, ठीक है, तो ये बातें भी हमको पता चल गई, तो इधर जो कैपेसिटर बना है उसका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और चूंकि डाइलेक्ट्रिक वाला है तो के से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, तो इधर का के कितना है, के वन एप्सिलॉन नॉट ए क्या है, ए वन अपॉन डी कितना हो गया इसका बताओ, ये डी कितना हो गया टोटल, है ना, टोटल कितना है, डी वन प्लस डी टू, तो सो डी वन प्लस डी टू, है ना, वी गॉट सी वन, अच्छे से समझ में आ रहा है, सिमिलरली सी टू का देखो क्या करेंगे, सी टू C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन K एप्सिलॉन नॉट A बाय D यूज करेंगे, K इसका कितना है K2, एप्सिलॉन नॉट A कितना है इसका A2 अपॉन D कितना है D1, ठीक है, तो हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाय D1, ठीक है, ये सारी चीजें हमको समझ में आया। सिमिलरली C3, C3 क्या हो जाएगा बच्चों, C3 हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A2 बाय D2, ये C3 हो गया, तो हमें हर एक का कैपेसिटेंस पता चल गया। अब देखो ये कैसे कनेक्टेड है ना, ये देखो ए पॉइंट जो है वो पूरे में कनेक्टेड है ना, तो ये सारे क्या हुए, सेम पोटेंशियल पे हुए, ये सभी सेम पोटेंशियल, इधर से ये सभी सेम पोटेंशियल पे हुए, तो एक पॉइंट हमने बना लिया भाई ए और दूसरा पॉइंट बना लिया हमने भाई बी, अब इसी ए और बी के बीच में ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये कैसे जुड़ा हुआ है ए और बी के बीच में, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, ये क्या हो गया बच्चों सी वन, और ये कैसे जुड़ा हुआ है सी टू और फिर ये सी थ्री, है ना, इस तरीके से जुड़ा हुआ है ए और बी के बीच में, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कनेक्शन कुछ इस तरीके से, सी वन सी टू और सी थ्री दिख रहे हैं, ये ऐसा फिर ये और फिर ये, इस तरीके से कनेक्टेड है। अब इसका A और B के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या हो गया भाई, सीरीज में हो गया, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, C2 और C3 सीरीज में हो गया, तो सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपको पता है C2 into C3 upon C2 plus C3 करेंगे हम लोग, है ना, तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सी इसका है ना C इक्विवेलेंट C23 बोल लेता हूं, ठीक है C23 उन दोनों का इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा बच्चों C2 into C3 upon C2 plus C3, ये है हमारा फॉर्मूला, तो देखो C2 कितना है K2 epsilon not A2 by D1 into K3 epsilon not A2 by D2 upon क्या हो जाएगा बच्चों K2 epsilon not A2 by D1 plus K3 epsilon not A2 by D2, ऐसा हो गया। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, epsilon not A2 कॉमन दिख रहा है ना,
तो एप्सिलन नॉट ए टू, एप्सिलन नॉट ए टू और एप्सिलन नॉट ए टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया भाई, देखो तो के टू के थ्री अपॉन डी वन डी टू, के टू के थ्री और एप्सिलन नॉट ए टू। ठीक है बच्चों, एप्सिलन नॉट ए टू ऐसा बच गया, और इधर क्या बच गया, के टू डी टू प्लस के थ्री डी वन अपॉन डी वन डी टू, है ना बच्चों, ऐसा हुआ। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, के टू के थ्री एप्सिलन नॉट ए टू अपॉन के टू डी टू प्लस के थ्री डी वन, ये आ गया बच्चों सी टू सी थ्री। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके बदले इसको रख सकते हैं, है ना, इसको रिप्लेस करके। तो चलो इसको रिप्लेस करके इसे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, अब ये सिंप्लीफाई हो करके ए दिस साइड सी वन एंड दिस साइड सी टू सी टू सी टू थ्री, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी, सी टू थ्री और ये सी वन और ये पी। अब ये और ये किसमें दिख रहे हैं बच्चों, पैरेलल दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सीधा एड अप हो जाएगा। देयरफॉर है ना, सी ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू थ्री। तो सी वन कितना था बच्चों, के वन एप्सिलॉन नॉट ए वन बाय डी वन प्लस डी टू प्लस, है ना, ये इसकी वैल्यू हो गई, के टू के थ्री एप्सिलॉन नॉट ए टू बाय के टू डी टू प्लस के थ्री डी वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, आपके आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरीके से आ गया, अंडरस्टूड। तो भाई कैसा भी सर्किट हो आप इसको सॉल्व कर सकते हो सिंपल, है ना, इस तरीके से। क्लियर है, वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स। मान लो आपको बोल रहा है एग्जाम्पल, दो प्लेट हो गए बच्चों, इस बार प्लेट को इस तरीके से रखा गया है। अगेन इसको जो है, इसका टोटल प्लेट एरिया ए है, ठीक है, टोटल प्लेट एरिया ए है, उसको दो पार्ट में बांट दिया। ठीक है, टोटल प्लेट एरिया ए है, दो पार्ट में बांट दिया बच्चों, तो इधर का क्या हो गया ए बाई टू और इधर का भी प्लेट एरिया क्या हो जाएगा ए बाई टू। ठीक है, अब इसमें क्या किया, इस आधे पोर्शन में, आधे पोर्शन में अलग प्रकार का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है वन, और इधर आधे पार्ट में फिर दो टुकड़े कर दिए और इधर डाला बच्चों के के टू इक्वल्स टू टू और इधर डाला के थ्री इक्वल्स टू थ्री। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको डेटा गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, और बोला गया है कि ये क्या है d बाई टू और ये क्या है d बाई टू, इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन a एंड b। अगेन अपने को c a b फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया बच्चों a और ये हो गया आपका b, इनके बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। तो अगेन सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है बच्चों, इस बार डेटा के साथ दिया है तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले इसका कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, इसका क्या मान लिया बच्चों सी वन, इसका क्या मान लिया सी टू और इसका क्या मान लिया सी थ्री। फटाफट बोलिए, सी वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, के वन एप्सिलॉन नॉट ए वन बाय डी वन, तो क्या हो गया के वन, के वन इज वन, एप्सिलॉन नॉट ए वन इज ए बाय टू, ए बाई टू एंड इसका डी क्या, इसका डी क्या हो गया, पूरा ही हो गया बच्चों, है ना, इनके बीच की दूरी तो पूरा ही है, तो डी बाई टू प्लस डी बाई टू डी, तो ये आया बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू डी, ये हो गया आपका सी वन। ठीक है, सिमिलरली सी टू, के टू एप्सिलॉन नॉट ए टू बाय डी टू, तो के टू इज टू,
एप्सिलॉन नॉट ए टू, ए टू भी क्या है बच्चों ए बाई टू, एंड डी टू इज ये दिस मच डी बाई टू, ठीक है डी बाई टू, तो ये डी बाई टू हो गया। तो ये टू और ये टू क्या हो गया बच्चों कैंसल, तो बचा क्या टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दिस इज सी टू, ठीक है। सिमिलरली सी थ्री क्या हो जाएगा बच्चों, सी थ्री हो गया के थ्री एप्सिलॉन नॉट ए थ्री बाय डी थ्री, तो के थ्री इज थ्री एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू एंड डी थ्री इज डी बाय टू, ठीक है। तो अगेन ये और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचा क्या थ्री एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो व्हाट वी आर गेटिंग सी वन एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू डी, सी टू टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी एंड सी थ्री थ्री एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इस तरीके से हमें मिल रहा है सी वन सी टू और सी थ्री, अंडरस्टूड। अब बच्चों चाहे तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को क्या मान ले सी नॉट मान ले, ठीक है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को सी नॉट मान ले, तो ये क्या हो जाएगा सी नॉट बाय टू, ये क्या हो गया टू सी नॉट एंड ये क्या हो गया थ्री सी नॉट, ठीक है। सी नॉट किसको माने एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को, हमें क्या करना है इनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना है, तो हमें के वन सी वन सी टू सी थ्री तो मिल गया, तो चलो अब इसको रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या हुआ देखो यहां पर एक कैपेसिटेंस बना, फिर यहां पर एक कैपेसिटेंस बना और इधर पर एक कैपेसिटेंस बना, तो इन दो के बीच में किस तरीके का कनेक्शन हुआ बच्चों, किस तरीके का कनेक्शन हुआ देखो, ये ए है ना, ठीक है, तो इधर हो गया आपका एक ब्रांच बन गया और इधर दो ब्रांच दो चीजें बन गई है ना, ठीक है दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है बच्चों। तो यहां क्या बना था सी वन, यहां क्या बना था सी टू और यहां क्या बना था सी थ्री, ठीक है। तो इस तरीके का आपके पास कनेक्शन है, तो इसको इसके बदले मैं इसको ड्रॉ करता हूं, तो नाउ वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है ये था ए और ये था बी, दिस इज सी वन दिस इज सी टू एंड दिस इज सी थ्री। तो भाई अब तो आसान है, ये दोनों किसमें दिख रहे हैं सीरीज में, तो पहले इसको सॉल्व कर लो सी टू और सी थ्री को, क्या बन जाएगा बच्चों आपको मैं एक जगह नोट कर देता हूं, सी वन जो हमने लिया था सी वन हमारे पास आया है सी नॉट बाई टू, सी टू आया है हमारे पास टू सी नॉट एंड सी थ्री आया है हमारे पास थ्री सी नॉट, ठीक है बच्चों। तो चलो तो इन दोनों का क्या हो जाएगा भाई, सीरीज है, सीरीज में कैसे कनेक्ट ये करते थे सॉल्व करते थे सी टू थ्री इज इक्वल टू सी टू सी थ्री बाय सी टू प्लस सी थ्री, ठीक है। तो सी टू इज हाउ मच टू सी नॉट एंड सी थ्री इज हाउ मच थ्री सी नॉट अपॉन टू सी नॉट प्लस थ्री सी नॉट फाइव सी नॉट, तो ये सी नॉट कैंसिल हो गया बच्चों, थ्री टू जस्ट सिक्स सिक्स सी नॉट बाय फाइव है ना। तो इसके बदले हम क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, इसको पुट कर सकते हैं। तो नाउ अब जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा बच्चों कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सी नॉट बाय टू एंड दिस मच इज सिक्स सी नॉट बाय फाइव, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो सी ए बी क्या हो गया बच्चों, ये और ये किसमें दिख रहे हैं पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिखते हैं तो क्या हो जाते हैं सीधा एड हो जाते हैं, तो सी नॉट बाय टू प्लस सिक्स सी नॉट बाय फाइव, ठीक है सॉल्व कर लो बच्चों, फाइव टू जर क्या हो गया टेन फाइव सी नॉट प्लस सिक्स टू जर ट्वेल्व सी नॉट, ठीक है बच्चों। तो बारह पांच सत्रह सत्रह सी नॉट बाय टेन ऐसा हो गया, जिसमें से सत्रह बटा दस सी नॉट की वैल्यू क्या थी बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो हो गया ये सेवनटीन बाय टेन एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है ना। ए और बी के बीच में जो टोटल कैपेसिटेंस आया वो आया 17 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 10 डी, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस तरीके से आप है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्टिक इंसर्टेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं है ना, इसके बारे में आपको पूरी तरीके से अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड एंड हाउ वी हैव टू सॉल्व, ठीक है।
स्टूडेंट्स लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 1 माइक्रोफेराड, यहाँ पर जुड़ा हुआ है 1.5 माइक्रोफेराड, यहाँ पर 2.5 माइक्रोफेराड, यहाँ पर 0.5 माइक्रोफेराड. यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन्ड है ए और यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन्ड है वो है बी. ठीक है, और इसके क्रॉस में हमने 30 वोल्ट का बैटरी लगाया है. ठीक है बच्चों, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बताओ, यानी वी ए बी निकालना है. ठीक है, चलो तो वी ए बी निकालना है अपने को. ठीक है, ओके, तो कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग. ठीक है, ध्यान से देखिए. सबसे पहले आप ये बताओ, क्या ये दोनों आप इसको सिंप्लीफाई कर लो बेसिकली, है ना. तो इन दोनों कैपेसिटर को क्या करोगे, है ना, सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इसको सीरीज में जोड़ लो. तो इसके बदले क्या लिख सकते हो आप, है ना, 1 × 1.5 / 1 + 1.5 क्या हो गया बच्चों, 2.5. ये 5 × 15 = 25 3/5 हो गया बच्चों. तो दिस इज 3/5 माइक्रोफेराड, है ना. इनके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 माइक्रोफेराड. ठीक है, सिमिलरली इनके बदले क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2.5 × 0.5 / 2.5 + 0.5 यानी 3. ठीक है बच्चों, तो 3 तो ये हो गया 35, 6 जा. ठीक है, और ये 60, 5, 5 और 5 से 12, तो आई थिंक इट इज 5/12. तो ये हो गया बच्चों 5/12 माइक्रोफेराड. एंड दिस तो ये सर्किट जो है वो कन्वर्ट हो गया ऐसा. ठीक है, तो भाई अब और क्या कर सकते हैं. अब ये दोनों हमें क्या दिख रहे हैं, ये दोनों हमें बताओ बच्चों, ये दोनों हमें दिख रहे हैं कि हमें क्या निकालना था, ए और बी निकालना था. ठीक है भाई, तो ये दोनों हमें दिख रहे हैं कि पैरेलल में है. ठीक है भाई, ये बात हमें समझ में आ गई कि ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं. बहुत अच्छा. अब एक बात बताओ बच्चों, हमने पढ़ रखा है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना तो उसमें वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है. आ रही बात समझ में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है. ये बात समझ में आई. तो भाई ये 30 वोल्ट इसके क्रॉस भी आएगा, 30 वोल्ट और इसके क्रॉस भी आएगा क्या, 30 वोल्ट. आगे बात समझ में. अब जब मुझे ये पता चल गया इस ब्रांच का टोटल कैपेसिटेंस पता चल गया और टोटल वोल्टेज पता चल गया, तो यहां पर चार्ज कितना होगा वो पता चल जाएगा. मान लो Q1 और इसमें कितना है बच्चों, Q2, तो पता चल जाएगा कि नहीं. तो Q1 कितना हो जाएगा, Q बराबर क्या होता है बच्चों, C × V. तो इसका C कितना है, 5/12 एंड V कितना है, 30. तो क्या हो गया देखो, तो 3 से 10 और 3 से 4, तो 50/4, है ना. कितना हो गया देखो, तो 12.5 हो गया क्या, 12.5 माइक्रो कूलम. अंडरस्टूड, 12.5 माइक्रो कूलम. ये हो गया Q1. सिमिलरली Q2 कितना हो जाएगा बच्चों, Q = C × V. C इज 3/5 एंड V इज 30. तो 5 से 6, 6 × 18 = 18 माइक्रो कूलम. ये हो गया बच्चों Q2. ठीक है, तो हमने Q1 और Q2 निकाल लिया. तो भाई Q1 क्या था, इस ब्रांच का चार्ज. ठीक है, Q1 और Q2 क्या था, इस ब्रांच का. ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको. मैं मान लो, है ना, मान लो इस पॉइंट को C बोलता हूं और इस पॉइंट को D बोलता हूं, बोल सकता हूं. ठीक है, इस पॉइंट को मैंने C बोला और इस पॉइंट को D बोला. तो देखो, इस C से D के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, 30 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ, इस ये जो देखो प्लस वाला होता है मतलब क्या हुआ बेटा, हाइयर पोटेंशियल, और माइनस जिससे जुड़ा हुआ है मतलब वो लोअर पोटेंशियल. दैट मींस कि ये C पॉइंट एट हाई पोटेंशियल है और ये D पॉइंट एट लो पोटेंशियल है. तो हमें क्या मिल गया बच्चों, हम क्या कह सकते हैं,
कि वी सी माइनस वी डी हायर माइनस लोअर कितना है 30 वोल्ट है, ठीक है 30 वोल्ट है, ये चीज हमें समझ में आ गया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पर जाओ, है ना, यहां पर तो ये पॉइंट क्या है, सी है, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो सी, है ना, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, ए है। ठीक है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, वी सी माइनस वी ए, ध्यान से समझिए, है ना, इस पॉइंट पर, है ना, ये सी पॉइंट माने तो ये भी सी है बच्चों, तो सी से ए के बीच में तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी सी माइनस वी ए, है ना। अच्छा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, v बराबर क्या, q अपॉन c, तो उसमें q कितना है, q2 अपॉन उसका c कितना है, c1, ठीक है, तो q2 हमारे पास आया है 18 और उसका c कितना है 1, ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों 18 वोल्ट। vc माइनस va इज इक्वल टू 18 वोल्ट, जिसमें vc माइनस va इज इक्वल टू 18 वोल्ट, vc माइनस va इज इक्वल टू 18 वोल्ट, ये एक बात निकल कर आया, ठीक है बच्चों, VC minus VA is equals to 18. So therefore, VA we can say what? VC minus 18. कह सकते हैं कि नहीं? आ रही बात समझ में? तो VA निकल कर आया, हम इसको मान लेते बच्चों equation number 2. Understood? ठीक है? अब देखो, similar case यहाँ पर, है ना? यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर C है तो बच्चों ये भी C डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहां से यहां के बीच में क्या लिख सकता हूं मैं, वी सी माइनस वी बी, है ना, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी सी माइनस वी बी, है ना, अगेन V बराबर क्या, Q अपॉन C, इधर का Q क्या है, Q1 अपॉन C, इसका कितना है 2.5, तो Q1 कितना आया था देखो बच्चों 12.5, 12.5 बाई 2.5 कितना हो गया बच्चों 5 हो गया, है ना, तो 5 बार में ये कट गया। ठीक है, तो VC माइनस VB जो आया वो कितना आया बच्चों 5 वोल्ट। ठीक है, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो वी गॉट, है ना, यहां से हमारे को मिल जाएगा देयरफॉर VB इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं मैं, VC माइनस 5। ठीक है, VB बराबर हो गया VC माइनस 5, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, व्हाट वी वांट, वी वांट VA माइनस VB। ठीक है, हमको क्या चाहिए, A और B के बीच में चाहिए, तो हमको चाहिए बेसिकली VA माइनस VB। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं VA माइनस VB, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, VA देखो कितना आया है VC माइनस 18, ठीक है, माइनस VB कितना आया है VC माइनस 5। ठीक है, तो VC माइनस 18 माइनस VC प्लस 5, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस 18 प्लस 5 क्या हो गया माइनस 13, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, माइनस 13, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस 13, क्या मतलब हुआ इसका, VA माइनस VB माइनस में आया, इसका मतलब A बड़ा नहीं है बल्कि B बड़ा है, B बड़ा है, है ना, तो VB माइनस VA करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 13 आ जाएगा, तो दिस वे यू कैन फाइंड। ठीक है बच्चों, तो वी गॉट आंसर, है ना, करेक्ट है, समझ में आ गई बात आपको, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, VA माइनस VB का माइनस 13 आया, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ओनली 13 वोल्ट, कौन बड़ा है कौन छोटा है तो आपको वो भी समझ में आ रहा है कि VB बड़ा है और VA क्या है छोटा है। ठीक है, इसलिए माइनस आया, अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि इंडिविजुअल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इंडिविजुअल के क्रॉस हर एक में कैपेसिटेंस, हर एक में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, इस तरीके की चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, विल टेक वन मोर एग्जांपल, सी
ठीक है बच्चों, तो इसको बोला गया है, ये आपका सर्किट तैयार है, ठीक है, दिस इज योर सर्किट, ठीक है। इसमें एक हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, यहां पर 2 माइक्रोफेराड, यहां पर 3 माइक्रोफेराड, यहां अगेन 3 माइक्रोफेराड, यहां 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। इसको नाम रखा गया है C1, ठीक है, दिस इज C2, दिस इज C2 एंड दिस इज C3, दिस इज C3, ठीक है। आपको क्या क्या निकालने बोला गया है आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। एक हमने सर्किट तैयार की है जिसमें कैपेसिटर की पोजीशंस ऐसे हैं, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड एंड दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, ठीक है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ अ सर्किट, ठीक है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना, पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस निकालना है बैटरी के अक्रॉस, ठीक है, बैटरी के अक्रॉस टोटल कैपेसिटेंस क्या है वो अपने को फाइंड आउट करना है। सेकेंड अपने को फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, ये सेकेंड चीज अपने को निकालना है, और कैपेसिटेंस चार्ज ऑन हर एक इस पर C1, C2 और C3 पर चार्ज निकालना है। तो चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C2 एंड चार्ज ऑन C3, ये क्या होगा अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, C इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, और C1 कैपेसिटर यानी इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है एंड इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलो कैसे हम लोग इसको करेंगे, है ना, स्टार्ट करते हैं। मान लो बच्चों मैं इसको बोलता हूं ए और इसको बोलता हूं बी, क्लियर है। तो चूंकि बच्चों ये ए है और ये बी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये वाला और ये आपस में क्या है, चलो उसको भी छोड़ो, सबसे पहले इन दोनों को कर लेते, ये तो हमें क्लियरली सीन है ना, ये बहुत अच्छे से दिख रहे कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, है ना। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, है ना, तो चार और चार दो इक्वल कैपेसिटर सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, रिजल्टेंट आधी हो जाती है। तो इसके बदले हम क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, C/2 यानी 4/2 यानी 2, गॉट इट। तो ये हो गया बच्चों 2, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, है ना, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। So this is 2, okay? This is sorted. अब ये जो 2 माइक्रोफेराड है बच्चों, तो ये ऐसा हो जाए, इसको ऐसा भी कर दो तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये A और ये B और इसके बीच में हमने 20 वोल्ट जोड़ा है, क्लियर है। तो ये 2 और ये 2, ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब और क्या दिखना है बच्चों आपको, अब हमें एक और बात समझ में आ रही है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, फिर सॉल्व करके क्या रख सकते हैं इनके बदले, इन दोनों का बताओ, तो पैरेलल में क्या हो जाता है, सिंपली ऐड हो जाता है, तो ऐड हो जाएगा बच्चों, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, ठीक है। सो दिस बिकम दिस, ठीक है बच्चों, ये 2 और 2 पैरेलल में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4, अगेन दिस इज 4, ठीक है। तो ये 4 हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3 एंड दिस इज 3, ए एंड बी, ठीक है, और ये रहा आपका 20 वोल्ट। नाउ व्हाट, अब क्या, अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये ए है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हुआ बच्चों, ए, ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला भी पॉइंट क्या हुआ, ए, है ना, क्लियरली सीन है ये ए ए ए, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड। सिमिलरली ये बी पॉइंट है बच्चों, तो ये बी पॉइंट क्या ले सकता हूं मैं, बी ले सकता हूं, और इधर सपोज सी, तो ये सी, तो ये भी सी, और ये सी, तो ये भी सी,
तो बेसिकली अपने को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 3 पॉइंट्स, ए बी एंड सी, ऐसे 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स को क्या हो रहा है। ये तीनों सी, तो मैं इसको यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड सपोज दिस इज सी। ठीक है, तो देखो क्या कैसे जुड़ा हुआ है भाई, ये किसके बीच जुड़ा हुआ है, ए और सी के बीच में। तो हमने ये ए और सी के बीच में जोड़ दिया 4। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये देखो किसके बीच में जुड़ा हुआ है, बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में जोड़ दिया मैंने 3। फिर ये देखो किसके बीच में जुड़ा हुआ है, बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में और हमने जोड़ दिया 1, 3। इसका काम हो गया। और ये किसके बीच जुड़ा हुआ है बच्चों, ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में एक और हमने जोड़ दिया 2। ठीक है, तो ऐसी बातें हो गई बच्चों। और ए और बी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, अंडरस्टूड। तो भाई इसका भी काम हो गया। नाउ व्हाट, अब देखो ये क्लियरली सीन है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का कितना हो गया, देखो पैरेलल में है तो एडअप हो जाएंगे, 3 और 3 6, और ये दोनों भी पैरेलल में है, 3 और 4 और 2 6। ठीक है, तो भाई हो गया ये 6 और फिर ये 6 और फिर ये अपन पहुंच गए बी पर। ठीक है, 6 माइक्रोफेराड एंड इसके बीच आ गया बच्चों 20 वोल्ट। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों किसमें बच्चों, सीरीज में है। सीरीज में है तो आप क्या करोगे, इसको है ना इक्वल है तो हाफ हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर के बन जाएगा आपका, है ना, ये सिंप्लीफाई होकर के बन जाएगा 6 and 6 3 माइक्रोफेराड और ये हो गया आपका 20 वोल्ट। तो ये आपका फाइनल है ना सर्किट है, फाइनल सर्किट है ना। वोल्टेज कितना है टोटल 20 वोल्ट और टोटल कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफेराड। तो फर्स्ट पार्ट जो था सी इक्विवेलेंट निकालना था, वो क्या हो गया बच्चों, 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, 3 माइक्रोफेराड, अंडरस्टूड। एक पार्ट निकल गया हमारा 3 माइक्रोफेराड। दूसरा क्या निकालना था, टोटल चार्ज। तो भाई टोटल चार्ज क्या होता हो जाता है, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो C इक्विवेलेंट आ गया बच्चों 3 और V कितना है 20, तो दिस इज 60 माइक्रो कूलम, दिस इज टोटल चार्ज, अंडरस्टूड। तो ये जो टोटल चार्ज निकलता है वो कहां से निकलता है, यहां से। तो यहां से निकला 60 माइक्रो कूलम, तो यहां तक ये 60 माइक्रो कूलम जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये 60 माइक्रो कूलम जब इधर जाएगा तो फिर ये क्या होगा, यहां से बटेगा। ठीक है, कुछ इधर जाएगा, फिर ये क्या होगा, इधर जाएगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो भाई देखो कैसे करोगे, यानी यहां तक तो बहुत ही सिंपल था, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो आया था है ना 2 माइक्रोफेराड और इन दोनों का कितना था बच्चों 2 माइक्रोफेराड। ये 2 और 2 क्या बने थे, 4। तो इसका जो इक्विवेलेंट था वो था 4। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब पीछे जो हमने सॉल्व किया था। ठीक है, पीछे जो सॉल्व किया था हमें उसमें जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा वो सारी चीजें। ठीक है, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सो सर्किट को रिड्रॉ करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं या फिर आप तो ए एंड सी, ए एंड सी किसको माने थे हम लोग भाई, और ए हो गया आई थिंक सी पॉइंट, हमने ये बी ये सी माना था ना, दिस इज सी, ये बी ये बी ये ए ये ए, दिस इज सी ना, दिस इज सी, सो दिस इज ऑल्सो सी, सी एंड सी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सी, ओके, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए। ठीक है, तो इस तरीके से था, तो ए और सी के बीच में है ना, ये ए और ये सी,
और ये हो गया बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में ये 336 माइक्रोफेराड और ए और सी के बीच में इट्स एक्चुअली इसके जो पीछे का डायग्राम था वो अपने को चाहिए जो हमने मिटा दिया है, तो आपको इसलिए थोड़ा सा फिर से करना पड़ेगा। तो इसको फिर से देखो बच्चों, तो ये हो गया था हमारा इस तरीके से, और ये हो गया था इस तरीके से, ठीक है, ऐसा कुछ था, अंडरस्टूड। ए और बी, ये हो गया बच्चों हमारा 20 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से चला हमारा कितना 60 माइक्रो कूलम। अब ये देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये और ये और ये क्या है, पैरेलल में है, ठीक है, ये दो, ये भी दो आया था ना, और ये कितना है, ये भी दो है। अरे वाह, ये तो और भी आसान है ना, यहां से तो और भी इजी दिख रहा है हमको। तो ये टू और ये टू क्या हो गए, तीनों पैरेलल में हो गए, ये तीनों पैरेलल में हो गए बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, पैरेलल यानी एड अप हो जाएंगे, तो 6 माइक्रोफेराड हो गया। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइक्रोफेराड, ठीक। तो ये हो गया हमारा टोटल 6 माइक्रोफेराड, ओके, इनके बदले, ये तीनों के बदले हमने 6 माइक्रोफेराड। फिर उसके बाद ये तीनों देखो सेमी पॉइंट है ना, सी 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 सी, ठीक है, एंड दिस इज बी, ठीक है। तो ये ए हो गया बच्चों और ये सी हो गया, ए और सी के बीच में, और ये हो गया आपका, ये इसके बीच में आ गया आपका दो, कौन कौन से, ये और ये, कौन कौन से है, ये तीन और तीन, तो दिस इज 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3, ठीक है। तो ऐसा बन गया, क्लियर है। अब ये भी क्या हो गया भाई, 3 और 3 6, अंडरस्टूड। तो इसके बदले भी हम क्या रख सकते हैं, है ना, ये दोनों भी पैरेलल है, तो एडअप हो जाएगा, एडअप हो गया तो 6 माइक्रोफेराड, ठीक है, ओके। सो दिस इज द सिचुएशन। तो यहां से चला था बच्चों कितना, 60 माइक्रो कूलम। तो वो पूरा का पूरा 60 माइक्रो कूलम क्या होगा, यहां से पास होगा और फिर यहां से पास होगा, ठीक है। इस 60 माइक्रो कूलम में, 60 माइक्रो कूलम में यहां पर कितने कैपेसिटर थे, है ना, तीन कैपेसिटर है बच्चों, तो तीनों में, है ना, ये देखो ये और ये, ऐसा बढ़ जाएगा 60 माइक्रो कूलम। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये दो तीनों बराबर हैं, बराबर कैपेसिटी के हैं, तो तीनों क्या करेंगे, इक्वली बांट लेंगे, है ना, इक्वली बांट लेंगे कितना, या तो आप ऐसा डायरेक्टली सोच सकते हो कि सब क्या करेंगे, इक्वली बांट लेंगे, तो इसमें 20 चला जाएगा, इसमें 20 चला जाएगा, इसमें 20 चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं सोच पाते हो तो दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज ये कर सकते हैं कि यहां से 60 माइक्रो कूलम पास हो रहा है, तो ये 60 माइक्रो कूलम यहां से पास होगा, तो यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा बच्चों, V बराबर क्या होता है, Q अपॉन C, तो 60 अपॉन 6 कितना हो गया 10 वोल्ट, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो चूंकि ये तीनों पैरेलल में है तो इसके क्रॉस भी 10 आएगा, इसके क्रॉस भी 10 आएगा, एंड इसके क्रॉस भी 10 आएगा, समझ गए बच्चों। तो हर एक में वोल्टेज आपको पता चल गया। सिमिलरली यहां पर कितना होगा बच्चों, यहां पर 60 बाय 6, यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चों 10 वोल्ट, तो इधर भी आ गया क्या आपका 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट हो गया, तो इसके क्रॉस भी हो गया आपका 10 वोल्ट और इसके क्रॉस भी हो गया आपका 10 वोल्ट। तो हर एक में वोल्टेज आपको पता चल गया, है ना, हर एक में आपको वोल्टेज पता चल गया, तो भाई वोल्टेज पता चल गया और आपको सी पता है, तो क्यू पता चल जाएगा, क्यू बराबर क्या बच्चों, सी इंटू वी, तो इसका सी 2 है, 2 × 10 = 20, देखो इसमें भी 2 × 10 = 20, इसमें भी देखो 2 × 10 = 20, तो इसमें 20 माइक्रो कूलम करके जा रहा है। सिमिलरली इनमें क्या हो जाएगा, इसका 3 है तो 10 × 3 = 3 माइक्रो कूलम, ठीक है, इसमें कितना बच्चों 30 माइक्रो कूलम। तो ये देखो हमें सारे में पता चल गया, सभी में पता चल गया, ठीक है। तो हमें कहां कहां निकालने बोला था, इसमें, तो इसमें कितना है भाई देखो 30 माइक्रो कूलम, और कहां पूछा था, इसमें ये वाला कौन सा है, ये वाला, तो इसमें कितना हो गया 20 माइक्रो कूलम, और किसमें पूछा था, ये चार वाले में, तो ये चार वाला कौन सा है बच्चों, ये चार और चार वाला है ना, ये चार और चार वाला है, सॉरी
हाँ ये दो, ये चार और चार वाला कौन सा है, ये दो, तो इसमें कितना जा रहा है बच्चों, वही 20 माइक्रो कूलम। तो इस तरीके से हमें हर एक ब्रांच में चार्ज और वोल्टेज पता चल रहा है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आपको हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इसकी जरूरत आपको अभी भी पड़ रही है, और जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। बस चीजें चेंज हो जाएगी, कैपेसिटेंस की जगह रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।